air is trapped in a piston cylinder machine initially p1 equal to 100 kpa v one equal to 2 into 10 power minus 2 cubic meter the spring exerts no force on the piston in the initial position the atmospheric pressure is 100 kpa and the area of the piston is 0.01 meter square the air expands slowly till its volume is V2 3 into 10 to power minus 3 meter, cubic meter. During the process, the spring exerts a force on the piston F is equal to negative kx, where the k equal to 16.2 into 10 power 3 newton per meter. Neglecting any friction between the piston and cylinder wall, determine the final pressure of the air and the work done and the work done एंड वर्क डन बाई द एयर ऑन द पिस्टन ठीक है ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेन्जमेंट है क्या हो इनिशियल में जो इनिशियल में इसमें प्रेशर कितना है इनिशियल जोता है इनिशियल जो था आपका इसमें प्रेशर जो था हंड्रेड किलो पासकल है और इसकी वॉल्यूम जोता है आपका कितना है टू इंटू टेन पॉल माइनस थ्री क्यूबिक मीटर है तो इनिशियल पे जो आपका पिस्टन यहाँ पे है तो पिस्टन जोता है वह स्प्रिंग पे किसी प्रकार का फोर्स एग्जट नहीं कर रहा है जब इसमें हिट जा रहा है हीट जाने से क्या हो रहा है कि उसकी एयर जो होता है पिस्टन की वो एक्सपांड कर रहा है जैसे ठीक है एग्जर्ट तो फोर्स, फोर्स एग्जर्ट कर, कर रहा है तो उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि जो पिस्टन वो एक्सपांड कर रहा है वो एक्सपांड कहा थ्री इंटू टेन पर माइनस थ्री क्यूबिक माइनस थ्री क्यूबिक मीटर तक एक्सपांड करा वहाँ पे जाने तक जो पिस्टन जोता है तो उसमें गैस का प्रेशर कितना होगा और जोता है दूसरा पूछा है क्वेश्चन से कि जो एयर है जो गैस है उसके द्वारा पिस्टन पे कितना वर्क होगा वह मुझे कैलकुलेट करना है ठीक है तो इनिशियल पे हमारा पिस्टन यहाँ पे था यहाँ पे था लेकिन जैसे ही आपका सपोज ये वन पॉइंट हो गया और जैसे ही हमारा इसमें हिट गया इस गैस जो गैस एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम जो था आपका इंक्रीज होकर कहीं आपका यहाँ यहां पे चला है ठीक है आपका पिस्टन और ये आपका सेम इस तरह फेनोमिना इस तरह हो रहा है इस पर फोर्स लग रहा है तो देखो तो क्या हो रहा है सबसे पहले मुझे क्या final, final करना फाइनल फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना सपोज जो हमारा यह सपोज हमारा क्या है ये पिस्टन है ठीक है यह हमारा जो है यह सपोज समझ लो पिस्टन है तो स्पेस पिस्टन पे जोता जो है यह एयर के द्वारा गैस के द्वारा इस पे क्या लग रहा है प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ऑफ एयर इनटू एरिया एरिया क्या हो जाएगा हो फोर्स होगा क्योंकि फोर्स फोर्स आपका इक्वल टू प्रेशर बाय एरिया तो प्रेशर इक्वल टू होता है पी इक्वल टू आपका फोर्स जो आपका फोर्स इक्वल टू होता है पी एन एरिया होता है ओके तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है द तो प्रेर एरिया प्रेशर ऑफ द एयर इंटू एरिया ऑफ दिस्टन ओके और इधर से जो है इधर से कौन एग्जर्ट कर रहा है आपका तो एक तो एग्जर्ट कर रहा है एरिया आपका एरिया सेकेंड जो जब पिस्टन जोता है स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग भी सेम अमाउंट में सेम अमाउंट में वह पिस्टन, पिस्टन को कंप्रेस कर रहा है ठीक है वह पिस्टन कितना वह आपका फ्रिक्शन फोर्स इन फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ठीक है तो देखो इस पे जो अब पिस्टन जब v2 पोजीशन पे यहाँ पे चल गया यहाँ पे चल गया तो यहाँ पे जो नेट फोर्स अब उससे आगे जा नहीं रहा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहे तो नेट फोर्स जो होता है इन दिस पोजीशन पे वह क्या होगा पिस्टन पे जीरो होगा तो इसपे देखो यह तुम्हारा सेकंड वहां पे जो था जो भी में चल जा रहा है वहां का सीन है, है यहाँ पे सबसे पहले आपको तो तो ठीक है तो पी एयर इंटू ए माइनस इधर जा रहा है तो पी एटमोस्फेयरिक इंटू ए और नेगेटिव में जा रहा है एफ इंटू एस इक्वल टू जीरो बढ़िया एयर कितना होगा मुझे यही कैलकुलेट करना है पी एयर ठीक है और देखो अगर मान लो कि अगर एफ एस जोता है अगर एफ एस बाहर कर दे ठीक है और इधर नेगेटिव है तो इसे प्लस में ला दे पी एटमॉस्फेरिक हो गया ठीक है पी एटमोस्फेरिक हो गया उसके बाद क्या हो गया आपको जब जब इसको और यहां पर आपका था एरिया था यहां पे एरिया था एरिया था ठीक है तो अगर हमको एफ एस कैलकुलेट करना है एफ एस मुझे क्या कैलकुलेट करना है अभी तो क्या पी तो ए आर तो जब हम पी एयर इन टू ए माइनस पी एटमॉस्फेरिक एन टू इक्वल टू एफ एस करेंगे जब इसमें से ए कॉमन लेंगे तब का पी ए आर तो पी ए आर आ गया पी एर माइनस पी एटमॉस्फेरिक इक्वल टू एफ एस बाई ए तो देखो तो पी ए आर मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है तो आपका एफ एस बाई ए प्लस पी एटमोसफेरिक हो गया ठीक है तो आपका एफ एस की वैल्यू आपका दिया है के इंटू एक्स बाई ए प्लस पी एटमोस्फेरिक आपको कितना दिया है 100 किलो पासकल दिया लेकिन 100 किलो पासकल को हम देन उसे टेन पॉ थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा जो कि हमारा जो तो आपका क्या हो गया आपका न्यूटन में आ गया ठीक है पास्कल में आ गया ओके तो पास्कल में आ गया देन आपका के का वैल्यू आपको दिया हुआ है के का वैल्यू कितना है के का वैल्यू आपका 16.2 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर दिया है और इनटू एक्स बाय एरिया ऑफ द पिस्टन एरिया ऑफ द पिस्टन आपका 0.018 दिया है ठीक है तो आपका 0.018 100 10 पावर 3 ठीक है तो हमारा ये क्या होगा पी ऑफ एयर निकल रहा है फाइनल प्रेशर निकल रहा है तो मुझे अब इन यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कहाँ से करेंगे सबसे बड़ा मुझे मुझे प्रॉब्लम हो गया तो देखो x तो कहाँ से सब सपोज मान लेते हैं हमारा जो था यह पिस्टन जो था कितना डिस्प्लेस वॉल्यूम किया है कितना डिस्प्लेस कितना वॉल्यूम यह डिस्प्लेस किया है तो देखो मान लेते वॉल्यूम डी भी किया होगा तो डी भी आपका भी टू वन इतना डिस्प्लेस किया होगा मतलब यही ना डिस्प्लेस मतलब यहां से यहाँ से यही वाला इतना गया है पिस्टन तो इस यही वॉल्यूम तो वॉल्यूम जो पिस्टन गया है आपका मानते हैं पिस्टन की एरिया ए है और वह एक्स डिस्टेंस गया है ठीक है x डिस्टेंस और भी टू माइनस भी वन देख आप सोचते होंगे कि आप तो या तो पिस्टन की डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पर जो होता है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो फोर्स लगा उसके में जो आपका एक्स कंपोनेंट कितना वो कंप्रेस हुआ हुआ तो देखो तो पिस्टन हमारा क्या हो जब पिस्टन जो होता है जितना अमाउंट जितना डिस्टेंस जो था ट्रेवल करेगा उतने ही जो था पिस्टन क्या करेगा कंप्रेस करेगा उतना ही क्या होगा कंप्रेस करेगा तो हम या तो उसका फ्रिक्शन का एथिक निकाल ले आप क्या बोलता है कि आप जो है स्प्रिंग का निकाले या जो होता है आप पिस्टन से निकालें दोनों से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ठीक है जब आप एरिया ऑफ द पिस्टन निकाल कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन एट इंटू एक्स और पिस्टन की जो आपकी फाइनल वॉल्यूम जो आपका भी टू दिया है कितना दिया थ्री इंटू टेन पॉर माइनस थ्री माइनस और इनिशियल वॉल्यूम दिया टू इंटू टेन पॉर माइनस थ्री जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एक्स के वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स आएगा ठीक है जब एक्स की वैल्यू को एक्स के वैल्यू को पी r जब एक्स के वैल्यू को इसमें पुट करोगे सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन पावर थ्री इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स बाय बाई ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एट प्लस टेन के पावर जो था कितना होगा गया थ्री टू फाइव हो गया ठीक है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका प्रेशर कितना आएगा वन फिफ्टी वन फिफ्टी फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड जो है पास्कल हो गया ठीक है जब इसको किलो पासकल करोगे तो इनको वन फिफ्टी पॉइंट फोर हंड्रेड पास किलो पास्कल हो गया बेसिकली आप लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं वन फिफ्टी किलो पासकल हो गया अब मुझे तो प्रेशर में फाइंड आउट कर लिया अब प्रेशर को मैं फाइंड आउट कर, अब मुझे कह रहा है कि गैस के द्वारा गैस के द्वारा कितना जो एयर के द्वारा पिस्टन पे कितना वर्क हुआ है तो देखो आप पहले ही कैलकुलेट किए हैं तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यूल टू पी इन टू डीबी होता है ठीक है? तो हो, है गैस का आपका एयर का प्रेशर है और डीवी को आप लिख सकते हैं एरिया इन टू जो जो आपका डिस्टेंस वो कवर किया है तो ए, ओके अब देखो यहाँ डीवी है तो पिस्टन सपोज मान लो कि वह वह इन मतलब बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है ठीक है तो जिसके कारण वो आपका उसका एक डी एक्स जो था मान लो कि आपका x है तो यह छोटा सा एलिमेंट जो था आपका dx ओके okay? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स हो गया ठीक है तो आपका p ए ठीक है p एटमोस निकालना है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है पी ए आर पी a माइनस पी इंटू ए इतना दिया हुआ है पी एयर आपका दिया हुआ तो पी एयर तो आपका कितना हुआ तो देखो यहां पर आपका लिखा हुआ पी एयर इंटू ए तो इसको हम लिखते हैं पी एयर एन ए माइनस पी एटमोस्फेरिक एन ए माइनस एफ एस इक्वल टू जीरो अगर मुझे पी एयर निकालना है ठीक है तो पी ए यही निकालना है तो मुझे सबसे क्या करेंगे सबसे इक्वल टू आपका एफ एस अभी इधर जाएगा था आपका प्लस में जो कि आप यहाँ पर ऑलरेडी करके रखे हुए हैं कितना एफ एस बाई ए प्लस पी एटमॉस्फेरिक आया आपका पी एयर ऑलरेडी इतना आया हुआ है जब इसको इस वैल्यू का आप यहां पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा एफ एस बाई ए प्लस बाई ए प्लस होता है आपका पी एटमॉस्फेरिक एन टू ए एन टू डी एक्स हो गया ठीक है एफ एस की वैल्यू आपका कितना था के एक्स था ओके बाई ए प्लस पी एटमोस्फेरिक इंटू ए इंटू डी एक्स और एक्स की वैल्यू आपका कहां से कहां तक जा रहा है जीरो से जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स तक जा रहा है ठीक है जब आप क्या करोगे ये आपका वर्क देखो तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे एक्स तो आपका यह होगा के एक्स स्क्वायर बाई ए ए प्लस होता है पी एटमोस्फेरिक इंटू एक्स इंटू ए आपका हो गया और यह आपका जीरो से जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स हो गया ठीक है तो आपका के तो के, के आप देखो होगा सबके वैल्यू को पुट कर दोगे तो हमारा निकल का आपका वैल्यू कितना दिया है के, के आपका वैल्यू दिया है into 10 .3 दिया है दिया ठीक है और एक्स आपका दिया जीरो आप लिमिट को रख दोगे जीरो सबको सब जीरो लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ इसी को इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं ठीक है फाइनल इनिशियल यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा बाई एरिया एरिया कितना दिया आपका जीरो पॉइंट जीरो वन एट एरिया है प्लस पी एटमॉस्फेरिक कितना आपको जब इसको हंड्रेड इंटू टेन पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देगा तो पास्कल पास्कल एक्स कितना जीरो पॉइंट जीरो से मल्टीप्लाई कर एरिया कितना जीरो पॉइंट जीरो वन एट है जब आप इस इक्वेशन को जब इस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा फाइव तो सिक्स डबल जीरो प्लस और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा वन फोर वन वन पॉइंट टू इन टू जो था जीरो पॉइंट जीरो वन एट होगा ठीक है और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा वन टू सिक्स पॉइंट टू कितना आएगा जूल आएगा अगर देन आपको बुक में दिया किलो जूल में तो आप टेन टू पर माइनस थ्री से, से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव Kilo zul.